आज मैं बवाल मूवी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जिसमें मेन लीड पर वरुण धवन और जाह्नवी कपूर है। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। कहानी एक ऐसे बंदे की है जो हर जगह माहौल बनाकर रखता है। जहां से भी गुजरता है लोग उसे सलाम करते और रिस्पेक्ट देते हैं। जिनका नाम है अज्जू भैया उर्फ अजय। वह ना ही पुलिस अफसर है, ना ही कलेक्टर, ना ही नेता और ना ही कोई हीरो। आखिर कैसे मामूली टीचर लोगों के बीच बवाल जमाए बैठे हैं, यह जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कहानी की शुरुआत में देखते हैं अज्जू भैया जो हर जगह कुछ न कुछ ज्ञान देते रहते हैं और जहाँ ज्ञान देना चाहिए वहाँ टाइम पास करते हैं। बच्चों को पढ़ाना छोड़ अज्जू भैया मोबाइल में बिजी रहता है और बच्चों को स्वयं पढ़ने लिखने और एक बच्चे को नजर रखने के लिए कहता है। सब मानते हैं कि अज्जू भैया ग्रेट है, बस एक टीचर को छोड़कर जो हमेशा अज्जू भैया के बारे में प्रिंसिपल से कंप्लेंट करता रहता है। वह हिस्ट्री टीचर नहीं बल्कि मिस्ट्री टीचर है। लेकिन प्रिंसिपल भी सबकी तरह उसे ग्रेट इंसान समझते थे। जैसे ही पांडे सर प्रिंसिपल को दिखाने ले जाता था अज्जू भैया वापस पढ़ाना स्टार्ट कर देता था। लोग अज्जू भैया से काफी इम्प्रेस होते हैं लेकिन अज्जू भैया खुद में डिप्रेस होता है जो अपने दोस्त विपिन के साथ उस पेक मारता था। अज्जू भैया लोगों के बीच माहौल झूठ बोलकर और अपने बारे में बहुत कुछ छिपाकर बनाया होता है और अपने माता पिता से हमेशा रूठली से बातें करता था। उसका पिता बैंक में काम करता है। उसे हमेशा समझाता था कि तुम दुनिया को बेवकूफ नहीं बल्कि खुद को बेवकूफ बना रहे हो। अज्जू भैया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अज्जू भैया की एक पत्नी भी थी लेकिन बस नाम की पत्नी थी। कि शादी को 9 महीने से भी ज्यादा हो गया होता है। अज्जू भैया उससे हमेशा दूरी बनाए रखता था, हमेशा घर में रहने के लिए कहता था, कहीं भी घुमाने नहीं ले जाता था। इसकी वजह थी निशा को मिर्गी का दौरे पड़ना। 9 महीने पहले अज्जू एक पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट लड़की से शादी करना चाहता था क्योंकि लोगों को दिखा सके वो बहुत पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी किया है। निशा में वो सब गुण थे जो अज्जू चाहता था, जिससे लोगों को दिखा सके। निशा को भी अज्जू में वो सब दिखा, बड़ों के प्रति इज्जत, बच्चों के लिए प्यार। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक दिखावा है। निशा अपने बीमारी के बारे में अज्जू को नहीं बताती। दोनों के रिश्ते भी तय हो जाते हैं, दोनों काफी खुश होते हैं। शादी होने के बाद अज्जू देखता है निशा को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, जिसे देख वह बहुत गुस्सा हो जाता है। सबके सामने उसे मिर्गी आ जाती तो अज्जू भैया का इमेज खराब हो जाता, जिस कारण से कहीं बाहर नहीं ले जाता था। उसके माता पिता भी बोलते हैं लेकिन अज्जू भैया का माहौल का सवाल था, वे भी मना कर देता है। निशा जिससे हमेशा दुखी रहती थी, जो अपने इमेज बनाए रखने के लिए निशा को साथ रखा होता है वरना उसे कब का छोड़ दिया होता। जो भैया अगले दिन स्कूल जाते वक्त काफी गुस्सा होता है। स्कूल में एक छात्र डाउट क्लियर करने के लिए एक सवाल पूछता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में कंसंट्रेशन कैंप्स थे, उनके गैस चेम्बर में जाने से पहले कैदियों के कपड़े क्यों उतार देते थे। जो कहता है एग्जाम में नहीं आएगा। छात्र बोलता है जानकारी के लिए। अज्जू फिर कहता है नहीं आएगा। जिस पर छात्र कहता है सर आपको नहीं पता तो ऐसा बताइए ना, घुमा काहे रहे हैं। जिस पर सभी छात्र हंसने लगते हैं, जिसे देख अज्जू भैया एक चमाट मार देता है। निशा की मम्मी वापस घर आने के लिए समझाती है लेकिन निशा अपने रिश्ते को और समय देना चाहती थी। उसे थोड़ी उम्मीद रहती है और जिस दिन वह उम्मीद भी टूट गई वह वापस आ जाएगी। फिर पता चलता है वह छात्र जिसको मारा था वो एक MLA का बेटा है, जिसे सुन अज्जू भैया काफी घबरा जाता है और इसकी खबर पूरे लखनऊ शहर में फैल जाती है। विधायक उसकी खबर लेने स्कूल पहुंच जाता है। अज्जू उसे माफी मांगता है लेकिन विधायक उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहता है कि वह पढ़ाने के लायक है या नहीं, नहीं तो विधायक साहब प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लेंगे। बाहर जाते वक्त अज्जू भैया को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा होता। कमेटी बैठने के बाद अगर उसे निकाले गए तो जो इमेज बना कर रखा था सब खत्म हो जाएगा। नौकरी खोने से डर रहा होता है। स्वयं छोड़ता तो कोई टेंशन नहीं था। विपिन पूछता है बाप क्या करोगे। अज्जू भैया फिर इस बारे में सोचता है। वह अपने छात्र से स्कूल के हालचाल के बारे में पूछता है। मोटा कहता है हम आपकी हिस्ट्री क्लास को मिस कर रहे हैं और अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 वाले पोर्शन छूट गए हैं जिसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। अज्जू भैया के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है कि बच्चों को सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ाएंगे, वो भी लाइव लोकेशन में जाकर। प्रिंसिपल को इस बारे में बता रहे होते हैं, वो भी अपने पैसों से जाएंगे। इसका रीजन था कि वह अपना माहौल बनाए रखे। पांडे सर को लगता था कि फेंक रहे हैं। अज्जू भैया फिर अपने सभी टिकट को दिखाता है। इस पर फिर पांडे जी की क्लास लेता है और उससे सीखने के लिए कहता है। अज्जू भैया फिर पिताजी को यूरोप जाने के लिए 8 से 10 लाख मांगता है। साथ में निशा को भी ले जाएगा। वैसे भी बहुत दिन से घुमाने नहीं ले गए होते हैं और बच्चों को भी सेकंड वर्ल्ड वॉर वाले सेशन पढ़ाकर पूरा कर देगा। निशा जिसे सुन काफी खुश हो जाती है और अपने माँ को इस बारे में जानकारी देती है। दोनों फिर यूरोप के लिए निकलते हैं। प्लेन में एक बंदा अज्जू भैया को खाना बार बार पार्सल करवा
आकर परेशान कर देता है। राज पहुंचने के बाद देखते हैं उसका बैग एक्सचेंज हो जाता है इनमें बैठे बंदे के बैग के साथ और वे उसके बैग को लेकर चले जाते हैं। जुबैया फिर अपने छात्रों को बताता है कि वह पेरिस पहुंच गया है और कल से उन्हें लाइव लोकेशन में जाकर पढ़ाएंगे। छात्र भी एक्साइटेड होते हैं। उसके कपड़े देख निशा हंसने लगती है। इधर कल्पेश को भी उसके कपड़े पहने देख उसकी फैमिली चिढ़ाने लगते हैं। अगले दिन देखते हैं अज्जू भैया अकेले घूमने जाता है। निशा भी अकेले जाती है। अज्जू भैया बच्चों को वर्ल्ड वार म्यूजिशियम दिखाने जाता है जहाँ देखते हैं म्यूजिशियम की जगह म्यूजिक रूम में चला जाता है। अज्जू भैया उसे सुन पक जाता है। बच्चे म्यूजिशियम देखने के लिए वेट कर रहे होते हैं। ऊपर से उसे बाहर जाने भी नहीं दे रहे होते हैं। इधर निशा आराम से घूम रही थी, शॉपिंग कर रही थी, स्केच बनवा रही थी। निशा बहुत खुश होती है। वहाँ से निकलने के बाद अज्जू भैया शर्ट भी खरीदने जाता है लेकिन बहुत महंगे दाम होने से केवल अंडरवेयर ही खरीदता है। शाम होते ही वह थककर घर पहुँचता है। निशा की शॉपिंग और फोटो देख हैरान हो जाता है। अज्जू भैया अपने बिताए दिन के बारे में बताता है। उसका दिन बहुत बुरा गया और अगले दिन साथ घूमने के लिए कहता है। अनजान देश में अज्जू भैया का बवाल नहीं कट रहा होता, ऊपर से टूटी फूटी इंग्लिश आता था। निशा फिर मान जाती है। अज्जू भैया उन लोकेशन पर जाकर हिटलर के सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ाता है कि 1939 में हिटलर ने पोलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध घोषित कर दिया था जिससे वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई। वीडियो को देख एमएलए के बेटे को भी पढ़ाने पर इंटरेस्ट आने लगी। उनका क्लास अच्छे से चलने लगा। निशा फिर पूछती है, अब तुम्हें मेरे साथ घूमने में प्रॉब्लम नहीं है? दौरे आ गए तो? जो भैया कहता है, मैं यहाँ कोई जानता ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। पेरिस का चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वर्ल्ड वार लोकेशन नॉर्मंडी में। उनके मम्मी पापा निशा के अलमारी में रखे डिवोर्स पेपर को देख काफी घबरा जाते हैं। इस बारे में निशा के पेरेंट्स से बातचीत करते हैं। वे कहते हैं वे कुछ दिन बाद वापस आने वाले हैं, तब इस बारे में बात कर लेंगे। वे अभी अनजान देश में हैं, उन्हें समझाने वाला कोई बड़ा नहीं है। निशा एक ऑडियो गाइड ले लेती है जगह के बारे में जानने के लिए। नॉर्मंडी में हजारों सैनिक दफन है जो हिटलर को हराने व शांति लाने के लिए अपनी जान दी थी। वे उस बीच पर पहुंचते हैं जहां सैनिकों ने जान दी थी। जो भैया पक जाता है। कोई भी बियर वाला, मसाज वाला, भुट्टे वाला कुछ भी नहीं है, का बीच है। निशा रो रही होती है, फिर ऑडियो को उसे सुनने के लिए कहती है। इसे सुन अज्जू भैया दहल उठता है। उसे वह घटना आंखों के सामने दिखता है। सभी सैनिक आजादी के लिए जान दे रहे होते हैं। उन्हें पता था कि वे मरने वाले हैं, फिर भी वे पीछे नहीं हटे, वे आगे ही बढ़ते रहे। उसके आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास हुआ कि वे सब आजादी और शांति के लिए बलिदान हुए हैं। अज्जू भैया फिर नम आंखों से के बारे में बताता है। निशा फिर पूछती है, वे अपना इमेज इम्पोर्टेंट क्यों है? जो भैया कहता है, छोटे थे तब से वह किसी चीज में ना आगे था और ना ही पीछे, बल्कि बीच में था, और बीच वाले से लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इमेज बनाकर रखी है जिससे किसी भी सेलिब्रिटी के साथ बैठे तो कम ना लगे। जो भैया को लगा कि वो वर्ल्ड वार वाले लोकेशन में जाकर आएंगे तो विधायक नहीं लड़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। विधायक उस पर एक्शन ना लेने पर और भी गुस्सा हो जाता है। फिर देखते हैं एयरपोर्ट में जिस बंदे के साथ बैग एक्सचेंज हुआ था, वे उसे मेट्रो में देख लेते हैं। दोनों बैग को लेकर झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन कल्पेश उसके बैग को पेरिस में ही छोड़ दिया होता है। अपने बैग को मांगता है, लेकिन अज्जू भैया भी पहले अपने बैग को मांगता है। फिर दोनों अपने पसंद के लिए पहने हुए कपड़े को एक्सचेंज कर लेते हैं। अपने कपड़े पहन कल्पेश भाई तो खुशी हो जाता है। फिर पहुंचते हैं एनी फ्रैंक के घर में, जहां पता चलता है एनी फ्रैंक 13 साल की थी तब से डायरी लिखना शुरू कर दी थी। जब जर्मन सेना ने यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे, तब एनी फ्रैंक के परिवार वालों को उस घर में छिपकर रहना पड़ा था। वे अंदर रहकर बिल्कुल आवाज नहीं करते थे ताकि पकड़े ना जाए। उनके पास जो भी सामान थे उसी में वे खुश रहते थे। वह बहुत मुश्किल हालातों में डायरी लिख रही थी। कमरे भी बहुत छोटे छोटे थे। एनी फ्रैंक नहीं बच पाई, लेकिन उसकी लिखी हुई डायरी के जरिए आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। निशा कहती है, हमारे ऊपर कोई भी तलवार नहीं लटक रही है, फिर भी जीवन जीना भूल गए हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे। दोनों फिर अपने लाइफ में पसंद नापसंद चीज को एक दूसरे को बताते हैं। बताते बताते कई पैक मार लेते हैं। फिर दोनों डांस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने व साथ में मस्ती करते थे। फिर देखते हैं उनकी दारू पीकर डांसिंग वीडियो वायरल हो जाता है। वह लखनऊ उस वीडियो को देख लेता है। जो भैया अपने लाइफ में मगन होते हैं। विपिन फिर कॉल करके डांसिंग वाली वीडियो के बारे में बताता है। बहुत दिनों बाद इतने करीब आए होते हैं, लेकिन उसकी बात सुन अज्जू भैया बहुत गुस्सा हो जाता है। उसकी वीडियो देख लोग हंस रहे होते हैं। अज्जू भैया वीडियो वायरल करने पर निशा के ऊपर गुस्सा हो जाता है। इस पर निशा कहती है, बहुत दिनों बाद इतनी खुशी
खुशी मिली है। हमारा पहला वीडियो शेयर करना चाहते थे। वैसे भी दिखावा करके खुशी नहीं बल्कि दुख ही मिलता है। जो फिर उसके बीमारी को लेकर उल्टा सीधा बोल देता है। निशा जिसे सुन वह रोने लगती है और उससे कहती है कि वह पहले से डिवोर्स पेपर मांग कर रखे थे। उसे उम्मीद थी कि रिश्ते ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल पति पत्नी की तरह रहते, और फिर इंडिया जाकर डिवोर्स देने की बात कहती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जो भैया फिर निशा की बात को बहुत सोचने लगता है। उसे लगने लगा कि हिटलर की तरह झूठ और दिखावे से जो इमेज बनती है ज्यादा दिन तक टिकी नहीं रहती। जहाँ उसकी मृत्यु हुई वहाँ मेमोरियल नहीं बल्कि कार पार्किंग बना होता है। अंत में लोग सच ही याद रखते हैं, झूठ नहीं। जो भैया फिर कल्पेश को कॉल करके बैग एक्सचेंज के लिए बुलाता है। जो भैया काफी नर्वस रहते थे, फिर म्यूजियम देखने जाते हैं जहाँ बैग में रखे खिलौनों को देखकर कल्पेश हंसने लगता है। वे हमारे लिए खिलौने हैं, उसके लिए पूरा बचपन था। एक दूसरे से एक फालतू बैग के लिए लड़ रहे थे। नाजी सैनिक ने आधा घंटा दिया था अपने जीवन की कीमती चीज को भरने के लिए, फिर भेज दिए थे मौत के मुंह में। कल्पेश फिर उससे पूछता है, आप होते तो क्या पैक करते। जो भैया सोचता है उनके मॉम डैड का तस्वीर की और निशा की ड्राइंग की हुई तस्वीर, अपने शादी की तस्वीर को रखते, जिसे सोचकर वह रोने लगता है। निशा आज ही इंडिया निकलने वाली होती है, लेकिन अज्जू भैया अपने गलती को मान लेते हैं, उसे माफी मांगता है। उनकी 3 दिन की ट्रिप बची होती है, ट्रिप अधूरा छोड़कर जाने से रोकता है। फिर वे ऑस्ट्रियाज के लिए निकलते हैं। वहाँ एक हाउस मालिक उनका अच्छे से स्वागत करता है। अगले दिन अज्जू भैया वर्ल्ड वॉर 2 के भयानक डार्क के बारे में बताता है, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन कैंप ऑस्ट्रियाज में 13 लाख लोगों को बंदी बनाकर रखे थे, जिसमें बच्चों की ही संख्या 2.5 लाख थी। उन्हें छोटे छोटे कमरे में ठूस ठूस कर रखे थे, खाना भी एक समय का देते थे ताकि वे जीवित रह सके। वहाँ हर छोटी से छोटी गलती की सजा मौत थी। 13 लाख लोगों में से 11 लाख मार दिए गए। इनके दर्द के सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं है। लाइट में देखते हैं हाउस मालिक उन्हें लेक्स के लाइफ में घटे पलों को सुनाने ले जाता है। वह बता रहा होता है, जिसे निशा अज्जू भैया को हिंदी में समझाती है, उनके शादी के बाद वह कभी भी अच्छा पति नहीं बन पाया, उसे कहीं भी घुमाने नहीं ले जाता था। इसे सुन निशा के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ भी इसी तरह बीत रही थी। फिर एक दिन हमें उस कैंप में ले जाया गया, उनको एक दूसरे से अलग रखा गया, जहां मैं सबसे ज्यादा अपनी पत्नी को मिस कर रहा था। उसकी चेहरे, उसका खाना, यहां तक हमारे छोटे छोटे झगड़े भी। हमें रोज सिर्फ 1 घंटा ही मिलता था एक दूसरे से मिलने के लिए, लेकिन वह 1 ही घंटा मुझे 23 घंटों तक जिंदा रखते थे। और एक दिन वह नहीं आई, फिर मैं जान गया वह कभी नहीं आएगी। अज्जू भैया फिर उसकी जगह खुद को इमेजिन करता है, आगे बताते हैं, और जब मैं समझ गया तो उसे खोने का वक्त आ चुका था। मैं चाहूंगा आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। अगले दिन गेस्ट चेंबर में जाते हैं उनके अध्याय का लास्ट टॉपिक पढ़ाने। छात्र इसी पर एक क्वेश्चन पूछा होता है कि गेस्ट चेंबर में जाने से पहले कैदियों के कपड़े क्यों उतार देते थे। जो सर बताते हैं कैदियों को उस चेंबर में झूठ बोलकर लाया जाता था कि उन्हें ना लाया जाएगा। जब कपड़े उतार कर पहुँचते थे तो उन्हें बिस्तर साइड डालकर मार दिया जाता था। फिर देखते हैं निशा को अचानक मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। जो फिर अपने इमेज को साइड रख उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। देर बाद निशा नॉर्मल हो जाती है। अज्जू भैया फिर प्यार से सहलाने लगता है। इधर देखते हैं विधायक उनके अज्जू सर द्वारा पढ़ाए चैप्टर का टेस्ट लेने जाते हैं। सभी को क्वेश्चन पेपर देखकर लिखने के लिए कहता है। अज्जू भैया फिर अच्छे पति की तरह उसकी देखभाल करते हैं और अगले दिन इंडिया के लिए रवाना हो जाते हैं। इंडिया पहुंचने के बाद देखते हैं निशा का माइंड बदल जाता है और उसके साथ वापस घर जाती है। अज्जू भैया काफी खुश हो जाते हैं। घर पहुंचकर उसके माता पिता भी दोनों को साथ में देख बहुत खुश हो जाते हैं। एक ट्रिप ने दोनों को एक साथ मिलवा दिया। कहानी के अंत में देखते हैं अज्जू भैया टीचर और विधायक को अपनी असलियत के बारे में बताता है कि वह बच्चों को कभी मन लगाकर नहीं पढ़ाए, पढ़ाने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, सब कुछ फेक था, कपड़े, बातें, रुतबा सब फेक थे ताकि इमेज बरकरार रहे। लेकिन पिछले 15 दिन में बच्चों को मन लगाकर पढ़ाया है, लेकिन इन 15 दिन में उनके सारे पाप धूल तो नहीं जाएंगे, और अपने इस्तीफा दे देता है और माफी मांगकर वहां से जाने लगता है। विधायक फिर कहते हैं आपके छात्रों से सरप्राइज टेस्ट लिया था जिसमें आप पास होते हैं कि नहीं, और वे सभी अच्छे अंक लाए हैं। वे चाहते थे कि कोई खराब टीचर स्कूल में ना पढ़ाए। इतिहास होता ही है गलती को सुधारने के लिए, और वह चाहता है कि कोई अच्छा टीचर भी स्कूल को छोड़कर ना जाए। फिर उसके इस्तीफा को फाड़ देता है। सभी स्टूडेंट भी खुश हो जाते हैं। इस मूवी का मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जो दूसरों के पास है उसे सोचकर दुखी होंगे, और जो तुम्हें मिला है उसमें खुशी ढूंढ लोगे तो उससे जो मुस्कान आएगी वही लाइफ की बेहतर इमेज होगी।
आनी है, ये पर्स समाप्त हो जाता है।